मध्य प्रदेश ट्रक एसोसिएशन द्वारा आरटीओ कार्यालय पर प्रदर्शन कर परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत के नाम ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल ट्रक एसोसिएशन ने परिवहन मंत्री से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि जिस तरह कमलनाथ सरकार में माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ा है, ऐसा ही अभियान परिवहन विभाग के अधिकारियों के ऊपर भी चलाया जाए। ज्ञापन के माध्यम से ट्रक मालिकों ने परिवहन मंत्री को अपनी पीड़ा बताते हुए भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। ट्रक ऑपरेटरों और मालिकों का कहना है कि परिवहन विभाग के अधिकारी चेक पोस्ट पर लगातार ट्रक मालिकों को प्रताड़ित करते आए हैं। अधिकारियों द्वारा चेक पोस्ट पर ट्रक निकालने को लेकर लगातार अवैध वसूली की जाती है, जबकि ट्रक ऑपरेटरों द्वारा ही सरकार को भारी मात्रा में राजस्व दिया जाता है। गौरतलब है कि प्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा चलाए जा रहे माफियाओं के खिलाफ अभियान से ट्रक मालिकों को भी एक आशा की किरण दिखाई दी है कि उनसे की जा रही अवैध वसूली पर भी रोक लगेगी। एक वर्ष में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने ये देखने में आया है कि माफियाओं के ऊपर पुरजोर तरीके से कार्रवाई की, प्रभावी कार्रवाई की, और इसी भावना से प्रेरित होकर, उनकी इस कार्रवाई को देखते हुए प्रेरित होकर हमारी संस्था इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने जो आरटीओ के प्रशासन में अधिकारियों द्वारा माफिया राज किया गया है उसका विरोध करने के लिए, उसके तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण कराने के लिए और उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए ये विरोध प्रदर्शन आज यहाँ पर इंदौर आरटीओ कार्यालय पर किया है, जिसमें प्रमुखता सेंधवा बाल समत चेक पोस्ट के ऊपर जो आरटीओ प्रशासन द्वारा और उनके अधिकारियों द्वारा मिली भगत करके माफिया तंत्र फैलाया गया, अवैध वसूलियाँ की जा रही है, उसकी तरफ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी का ध्यान आकर्षण कराने के लिए प्रदर्शन किया गया है। और ये संगठन निश्चित ही कमलनाथ जी से ये उम्मीद करता है कि वे उसके ऊपर निश्चित प्रभावी कार्रवाई करेंगे, जिस तरह से वो कार्रवाई कर रहे हैं सिंघम की तरह, उसी तरह वो इस माफिया तंत्र के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे और समस्त मोटर मालिकों के समुदाय को इस तकलीफ से निजात दिलाएंगे। सुशील सालूंगा।